आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली की एक अदालत से डिफॉल्ट जमानत मिल गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस को देवेंद्र सिंह के मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी थी। जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को इसी साल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हिजबुल के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र सिंह के अलावा एक अन्य आरोपी इरफान शफी मीर को भी 1,00,000 के निजी मुचलके पर अदालत ने जमानत दे दी है। 2018 में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर देवेंद्र को शेरे कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनसे ये खिताब वापस ले लिया गया था। देवेंद्र सिंह का करियर दागदार रहा है और उन पर पहले भी गैर कानूनी काम करने के आरोप लग चुके हैं। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह कई बार एजेंसियों के रडार में आए, लेकिन हर बार किसी तरह बच निकलते थे। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।